नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल SS Analysis पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं चांदी वायदा कारोबार पर जो MCX फ्यूचर्स में होता है अपना एनालिसिस हिंदी में देने जा रहा हूं, क्योंकि मेरे चैनल के बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, ये आग्रह किया था कि मैं अपने चांदी और नेचुरल गैस के वीडियोस हिंदी में बनाऊं ताकि वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में देख सकें और उसे अच्छी तरह समझ सकें। तो इसलिए आज मुझे खुशी है कि मैं आज चांदी पर अपना वीडियो हिंदी में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं, और ये वीडियो चांदी के लाइव चार्ट पर होगा जो MCX फ्यूचर्स का है। ये चांदी का एक वीकली चार्ट है फ्यूचर्स का, जिसमें आप देख सकते हैं कि सिल्वर फ्यूचर्स 4 जुलाई से उन्होंने नीचे की चाल पकड़ी, और मैंने इस डाउनवर्ड ट्रेंड को पीले कलर से डिनोट किया है दोस्तों यहाँ। और इसमें आप देख सकते हैं कि सिल्वर फ्यूचर्स बार बार यहाँ टकरा कर वापस आ रहे थे, और जब भी वो इससे नीचे गए तो यहाँ अच्छी बाइंग देखने को मिली, जिसे वापस उन्होंने यहाँ आने की कोशिश की, परंतु यहाँ इन रिवर्स पे उसे रेजिस्टेंस मिला, वो फिर एक नीचे की चाल पकड़ी, तेज नीचे की चाल, परंतु यहाँ से बाहर आते ही वापस इन रिवर्स पे जहाँ उससे पहले सपोर्ट दी थी, यहीं से फिर हमने एक तेजी की चाल देखी और सिल्वर फ्यूचर्स यहाँ आए इस ब्लू लाइन तक, जिसे आप देख सकते हैं कि एक मीडियम लाइन है, जिससे जब भी चांदी नीचे गया तो चांदी में बाइंग हुई, और जब चांदी ऊपर गया तो चांदी के फ्यूचर्स में सेलिंग देखने को मिली। तो मैंने इस चार्ट को एक वीकली जोन में प्रदर्शित किया है कि अब चांदी में किस तरह की चाल रहेगी, क्योंकि आज हमने मंडे को पहले ही दिन चांदी में एक तेज गिरावट देखी, जो हम पिछले कुछ ट्रेडिंग सत्रों से चांदी में एक अच्छी तेजी देख रहे थे, वो इस ब्लू लाइन पर आप देख सकते हैं, जो कि एक अप ट्रेंड जोन का मीडियम लाइन है जो मैंने ब्लू कलर से दिखाया है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसे टकरा कर बार बार चांदी यहाँ रेजिस्टेंस मिल रही है चांदी फ्यूचर के फ्यूचर्स को, और आज तो पहले ही ट्रेडिंग सत्र में हमने एक तेज गिरावट देखी है। तो मेरा मानना यह है कि आने वाले समय में ये एक बहुत डिसीजिव जोन का काम करेगा एक अप ट्रेंड में, और यदि चांदी के फ्यूचर्स इस अपवर्ड लाइन को ये जो लाइन है इसको अगर नहीं तोड़ते नीचे की तरफ, तो मेरा मानना है कि चांदी में हम वापस तेजी देखेंगे। और तो आइए अब हम इस चार्ट को एक डेली जोन में देखें, ताकि आप और अच्छी तरह से आप इसको देख सकें कि अब जो है चांदी फ्यूचर्स ने पिछले कुछ ट्रेडिंग सत्रों में यानी अप्रैल से इस डाउनवर्ड ट्रेंड के ऊपर अपना सपोर्टिंग लेवल बनाया हुआ है, जहां से वो हमेशा सपोर्ट लेकर ऊपर की चाल पकड़ते हैं और चांदी में तेजी बरकरार रहती है। परंतु आप ये देखें कि 41,716 से हाल ही में जहां चांदी ने अपना हाई बनाया था, वहां से एक तेज गिरावट हमने लगातार देखी है, और चांदी ने पहला सपोर्ट यहां लिया जो कि 38,556 पर है, और मेरा मानना है कि ये लेवल जहां चांदी अभी करंटली ट्रेड कर रहा है यानी 38,427, ये चांदी को एक काफी अच्छा सपोर्ट प्रदान करेगा चांदी फ्यूचर्स को, क्योंकि चांदी फ्यूचर्स थोड़े नीचे तो आए हैं इस 200 डेज मूविंग एवरेज के, परंतु अभी भी सिल्वर बुल्स को अभी भी उम्मीद है कि वो कामयाब रहेंगे वापस ऊपर जाने में, क्योंकि सभी मूविंग एवरेजेस अगर आप देखें कि अभी भी 9 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सिल्वर फ्यूचर स्थिर है एक डेली चार्ट में, और 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी ऊपर है 20 डेज मूविंग एवरेज के, और 50 डेज मूविंग एवरेज नीचे है 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये सभी मूविंग एवरेजेस एक इशारा कर रही हैं कि चांदी अब करंट लेवल से वापस ऊपर की चाल पकड़ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, परंतु मेरा मानना यह है कि अभी आप साइडलाइन रहें और इंतजार करें 38,053 के लेवल्स का, जहां की चांदी को एक अच्छी सपोर्ट मिलेगी, वहां आप इसमें लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। यदि चांदी इन लेवल्स पे आता है तो ये लेवल्स चांदी को एक बाउंस बैक प्रदान करेंगे। तो मेरा मानना यह है कि चांदी में थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है, परंतु अभी ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं उसे मानूं कि चांदी बेरिश मोड में है, क्योंकि जब तक चांदी इस अप ट्रेंड जोन के अंदर है तो मैं इसे बेरिश मोड में नहीं मानता, परंतु उसको और बुलिश होने के लिए इस ब्लू लाइन को यानी इन लेवल्स को तोड़ना होगा, तभी वो एक स्थिर ऊपर की चाल पकड़ेगा। आइए अब इसको और पास से देखते हैं एक 4 घंटे के चार्ट में। अब आप देखें दोस्तों कि
चांदी ने जो मेरा डाउनवर्ड ट्रेंड जोन था एक वीकली चार्ट में उसके ऊपर यहाँ बहुत अच्छी चांदी को सपोर्ट मिली है और यहाँ से चांदी ने ऊपर की चाल पकड़ी, परंतु ये इस अप ट्रेंड जोन जो मैंने स्काई ब्लू कलर में बनाई है, यहाँ इसका मीडियम अप ट्रेंड लाइन है, ये यहाँ पर वो रेजिस्टेंस सिल्वर फ्यूचर्स रहते हैं हमेशा और वहां से टकरा कर नीचे आते हैं और इस पर डाउनवर्ड ट्रेंड पर बेस बनाने की कोशिश करते हैं जहां से वो उन्हें एक अच्छा जंप मिलता है। और परंतु 37,532 पर सेलिंग देखने को मिलती है नीचे से जब ये सिल्वर ऊपर जाता है, क्योंकि यहाँ पर 200 डेज मूविंग एवरेज है सिल्वर फ्यूचर्स में एक 4 घंटे के चार्ट में, और यदि चांदी इससे ऊपर जब अभी ट्रेड कर रही है तो यही लेवल चांदी के एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा चांदी फ्यूचर्स के लिए, और यहाँ से चांदी एक अच्छा बाउंस बैक ले सकती है, यानी 37,595 से चांदी फ्यूचर्स को एक अच्छा बाउंस बैक मिल सकता है। परंतु यदि ये लेवल तोड़ा यानी 200 डेज मूविंग एवरेज तोड़ी तो अगला सपोर्ट 36,600 पर मिलेगा, और उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट लेवल मैं देखता हूँ वो 36,105 पर है जहाँ से चांदी बाउंस बैक ले सकता है। तो दोस्तों अभी इंतजार करें, यदि चांदी यहाँ पर स्थिर रहता है तो ये जो एक बुलिश चैम्बर फॉर्म हुआ था 1 अक्टूबर को, ये मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी फॉर्मेशन है जो कि चांदी को इन लेवल से यानी करंट लेवल से ऊपर की ओर धकेलेगा। परंतु ये जो फॉर्मेशन है मूविंग एवरेजेस का कि 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने यू टर्न कर लिया है, वो भी 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आ गई है, जिससे चांदी पर काफी दबाव है सिल्वर फ्यूचर्स पर, और सिल्वर फ्यूचर्स ने इसलिए आज फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन में एक गैप दिया और गैप देने के बाद वो काफी प्रेशर में दिख रहे हैं। परंतु मेरा मानना यह है कि यदि चांदी आज 38,082 के लेवल तक छूता है तो यह एक लेवल होगा जहां से चांदी एक अच्छा बाउंस बैक देगा, वो भी बहुत स्टीप बाउंस बैक होगा। इस स्तर पर चांदी आप यहां बाउंस बैक देख सकते हैं चांदी में पहला बाउंस बैक। तो यदि नीचे की चाल पकड़ता है तो जहां पर यानी 38,037 रुपए पर एक अच्छा बाउंस बैक चांदी में देखने को मिल सकता है, और दूसरी ओर इस ब्लू लाइन पर यानी 39,672 पर हमें फिर से रेजिस्टेंस चांदी फ्यूचर्स में हम देखेंगे। तो अब मेरा मानना यह है कि आगे आने वाले हफ्ते में चांदी जो है इसी ब्लू अप ट्रेंड जोन में मूव करने वाला है, तो चांदी में होपलेस होने की जरूरत नहीं है, निराशाजनक कोई बात नहीं है, चांदी एक अप ट्रेंड में है और ये अप ट्रेंड आने वाले दिनों में जारी रहने वाला है, क्योंकि लोग प्रीशियस मेटल की तरफ ज्यादा भागते हैं जब इक्विटी मार्केट में इनडिसिजिवनेस होती है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्त के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें, उनसे कहें कि वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं अपने रेगुलर अपडेट्स उन तक दे सकूं, और मेरी अब आगे कोशिश होगी कि मैं MCX और मैं कोशिश करूंगा कि सोने चांदी और नेचुरल गैस और अन्य कमोडिटीज पर के MCX फ्यूचर्स पर अपने हिंदी में विश्लेषण आपको देता रहूं। तो अपने दोस्तों से कहिए कि सिर्फ उन दोस्तों से जो मार्केट में काम करते हैं या ट्रेड करते हैं, निवेशक हैं या ट्रेडर हैं, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें और उनसे कहें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं अपने रेगुलर अपडेट्स MCX फ्यूचर्स पर भी रेगुलर आपको देता रहूं। धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे।